Assalamu alaikum, dear students. Hope so all of you are in the best of your health. Today is 21st May 2020 and today our day is Thursday. So for today's science lecture, the material for learning that have been mentioned in your daily schedule diary is the short queue number 11 to 17 of chapter number 8, and the writing material is a long queue number 1 and 2 with diagram of chapter number 8. लॉन्ग क्वेश्चन 1 में इसकी डायग्राम नहीं है, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास डायग्राम गिवन है. नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. चैप्टर नंबर 8 हुज नेम इज़ द एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स. इसमें शॉर्ट क्यू नंबर 11 है. हाउ इज एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इन द प्रोपेलर ऑफ अ प्लेन. कि किसी भी प्लेन के प्रोपेलर में, प्रोपेलर कहते हैं बेसिकली एक पंखा होता है जो चलने वाला होता है, उसकी मूवमेंट की वजह से फर्दर जो प्लेन जो है वो आगे मूव करता है. तो वो कहते हैं उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती कैसे है. व्हेन वी ट्विस्ट द प्रोपेलर ऑफ अ प्लेन, जब भी हम किसी भी प्लेन के प्रोपेलर को ट्विस्ट करते हैं तो उसके बैंड जो होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं. द रबर बैंड स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट, वी ट्रांसफॉर्म इन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेन. यानी कि जो जब उनके स्ट्रेचनेस की वजह से जब स्ट्रेच होते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर फर्दर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से प्लेन जो है वो फर्दर आगे मूव आउट कर सकता है. आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए ये प्रोपेलर है, इट्स अ प्रोपेलर वन. जब ये मूव करता है, जब हम इसको मूव कराते हैं तो इसकी वजह से क्या है, रबर बैंड जो है इसके हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे. स्ट्रेच होने की वजह से इसमें काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर होने की वजह से फर्दर जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से जो प्लेन जो है वो फर्दर आगे मूव फॉरवर्ड कर सकेगा, मूव कर सकेगा. नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्यू नंबर 12 है. ड्यू टू विच एनर्जी अ स्टोन इन अ कैटापुल्ट कैन डू वर्क. ये कैटापुल्ट कहते हैं बेसिकली गुलेल को, कि जब हम किसी गुलेल की मदद से कोई पत्थर पे वगैरह फेंकते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो वर्कआउट कर रहा होता है. सो व्हेन वी पुट अ स्टोन इन द स्लिंग ऑफ अ कैटापुल्ट, स्लिंग कहते हैं कैटापुल्ट की वो रस्सी जो कि पीछे जिसको हम खींच रहे होते हैं, स्ट्रेच कर रहे होते हैं, एंड स्ट्रेच इट्स रबर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट. जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी. दिस एनर्जी कैन थ्रो द स्टोन अवे. अब उस पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर होने की वजह से जो स्टोन जो है वो उसको हम कहीं भी दूर फेंक सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट वन द शॉर्ट क्यू इज द ड्यू टू विच एनर्जी अ ब्रिक कैन डू वर्क. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं. बेसिकली हर चीज़ जो है, एवरीथिंग कैन हैव अ एनर्जी, उसमें कोई ना कोई एनर्जी की फॉर्म ज़रूर मौजूद होती है. अब यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दे के आपको यही समझाया जा रहा है कि अगर किसी प्लेन के प्रोपेलर में कौन सी एनर्जी होती है, या किसी कैटापुल्ट का स्टोन को किस तरह से हम थ्रो अवे कर सकते हैं, या एक इवन कि एक ब्रिक भी किस तरह से मूव आउट कर सकती है, किस एनर्जी की वजह से, किस एनर्जी की बदौलत. सो अ ब्रिक ऑन द ग्राउंड, जब किसी भी ग्राउंड पर ब्रिक पड़ी होती है तो कोई काम नहीं कर सकती, कोई वर्क नहीं कर सकती, कांट डू एनी वर्क. बट लेकिन व्हेन वी रेज द सेम ब्रिक, जब हम उसी ब्रिक को उठाते हैं तो एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है, और जब वो स्टोर हुई होती है तो उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टोर्ड फॉर्म में होती है. सो अब क्या होगा कि आप उसी ब्रिक को, आपने अक्सर देखा होगा मजदूरों को काम करते हुए कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, कि वो उस ब्रिक को उठा के ऊपर मतलब कि ऊपर फेंक रहे होते हैं. तो अब उसी ब्रिक को बदल कर ऊपर फेंका जाएगा तो उस एनर्जी, उस ब्रिक को जब हमने उठाया तो उसमें एनर्जी स्टोर हो गई. फर्दर उसी एनर्जी की वजह से वो ब्रिक क्या करेगी, कैन डू वर्क ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी. उसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ब्रिक में क्या होगा, फर्दर वर्कआउट होगा. सो नेक्स्ट वन हमारे पास शॉर्ट क्यू नंबर 14 है. दैट्स डिफाइन द हीट एनर्जी. कि हीट एनर्जी बेसिकली है क्या, हीट अपने नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि हीट एनर्जी में क्या होता है, ये एनर्जी की एक किस्म है, ये मूवमेंट है पार्टिकल्स की विद इन द सब्सटेंस. व्हेन वी हीट अप एन ऑब्जेक्ट, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं, इट मूव्स एंड कोलाइड फास्टर. तो मूव करना स्टार्ट कर देता है, उसके पार्टिकल जो है आपस में टकराना शुरू कर देते हैं, और बहुत ही फास्टली वे से. हीट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कि हीट ईजिली क्या होती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है किसी भी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ. ऐसा नहीं होता कि वो किसी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव आउट ना हो सके या ट्रांसफॉर्म ना हो सके. नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्यू नंबर 15, दैट्स व्हाट आर द एनर्जी कन्वर्टर्स. हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ ऐसे आलात होते हैं जो कि एनर्जी को तब्दील कर सकते हैं, एनर्जी की एक किस्म को एनर्जी की दूसरी किस्म में तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं. क्या है हमारे पास, द डिवाइसेस दैट चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टर्स और एनर्जी चेंजर्स. इनकी जो एनर्जी की एक किस्म को एनर्जी की दूसरी किस्म में तब्दील करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी कन्वर्टर्स. इसमें हमारे पास टू एग्जांपल्स गिवन है, फॉर एग्जांपल द टीवी, फॉर एग्जांपल द रेडियो. यानी कि टीवी क्या करता है, जब हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी में.
एज लाइक दैट रेडियो एनर्जी क्या करता है, रेडियो का करता है, रेडियो को जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि एनर्जी की एक किस्म को एनर्जी की दूसरी किस्म में कन्वर्ट कर रहा होता है, दैट्स व्हाई इट्स अ एनर्जी चेंजर और एनर्जी कन्वर्टर। नेक्स्ट शॉर्ट क्यू नंबर 16 हमारे पास है, आर प्लांट्स एनर्जी कन्वर्टर्स टू, कि क्या प्लांट्स भी एनर्जी कन्वर्टर्स हैं? यस ऑब्वियसली दे आर। ये क्या करते हैं, दे चेंज द सोलर एनर्जी शमसी तवानाई को कन्वर्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि आपने फोटोसिंथेसिस का फिनोमिना पढ़ा, फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना में सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अब वो खुराक किस फॉर्म में उनके पास स्टोर हो जाती है, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, सो दे आर आल्सो कॉल्ड द एनर्जी कन्वर्टर्स और एनर्जी चेंजर्स। सो नेक्स्ट वन द लास्ट वन शॉर्ट क्यू इट्स व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल्स, दे आर द मैनी सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बहुत ज़्यादा वसी ज़राए हैं इस कायनात में, सच एज कोल ऑयल एंड द नेचुरल गैस, यानी कि जैसा कोयला हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, दीज फ्यूल्स आर कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स, के बेसिकली एनर्जी के इन ज़राए को क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें एल क्यू नंबर 1 जो कि हमारे पास यह है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी, हमें दोनों में डिफरेंस बताना है और ये भी बताना है और उनको एग्जाम्पलीफाई करके बताना है, कि इसमें टू एग्जाम्पल्स भी हमने लाजमी देनी है, कि टू एग्जाम्पल्स मस्ट होने चाहिए हमारे पास पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में। सो हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली है क्या, ये एनर्जी की वो किस्म है दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन, के पोजिशन की वजह से किसी भी एनर्जी को, किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी को क्या कहा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी डॉट ई, ये हम शॉर्ट क्यू में पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स की तरफ आएंगे। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड और लिफ्ट अ स्टोन टू सम हाइट, एनर्जी स्टोर्ड इन दीज ऑब्जेक्ट्स, कि जब भी हम किसी भी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं या किसी भी स्टोन को लिफ्ट अप करते हैं, ये वही एग्जांपल है जैसे मैंने आपको ब्रिक की, हमने आज की शॉर्ट क्वेश्चन में की है ब्रिक की एग्जांपल जो की है, इट्स सेम बी लाइक दैट। तो क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, अ ब्रिक ऑन द ग्राउंड कैन नॉट डू एनी वर्क, बट व्हेन वी रेज द सेम ब्रिक, एनर्जी स्टोर्ड इन इट, द ब्रिक कैन डू वर्क ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी, कि क्या होगा कि ब्रिक जो है वो उसी पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वर्कआउट कर पाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी, दैट वन के काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये भी किसकी वजह से होती है, मोशन की वजह से होती है। एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज रिटन एज के कैपिटल डॉट ई कैपिटल, इसमें आप स्मॉल नहीं लिखेंगे, ना ही के स्मॉल लिखेंगे, ना ही को स्मॉल लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी पी कैपिटल और ई कैपिटल, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी के कैपिटल और ई कैपिटल ही आएगा। नेक्स्ट वन एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं, हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट जो है मूवमेंट की स्टेट में होगा दैट विल ऑलवेज ऑलवेज अटेन द काइनेटिक एनर्जी। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है, मूविंग बस एंड रनिंग टैप वाटर पोसेस काइनेटिक एनर्जी, कि क्या है ये पोजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, द मूविंग गियर और विंड हैज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मूवमेंट की स्टेट में है, हरकत की स्टेट में है, दैट्स व्हाई दे आल्सो अटेन और पोजेस द काइनेटिक एनर्जी। इस वाज द एलक्यू नंबर 1। सो हमारा आज का एलक्यू नंबर 2 जो है वो हमारे पास ये है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू उसमें ये आता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, हाँ ये एनर्जी की एक किस्म से दूसरी किस्म में कन्वर्ट हो रही होती है पूरी कायनात में। सो लेट्स स्टार्ट ओवर दिस क्वेश्चन एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। हमारे पास की स्टेटमेंट जो है आप बेसिकली इसके ऊपर लिखेंगे, इट्स अबाउट द पेज नंबर 82, 82 पेज पे है, आप इसके ऊपर स्टेटमेंट लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस लॉ के थ्रू एनर्जी कैन नॉट बी मेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दिस फैक्ट इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि इस फैक्ट को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसमें क्या है कि आपने एक पेंडोलम लेना है, सिंपल पेंडोलम, ये एक हैंगिंग बॉल होती है, आप इसको देख सकते हैं कि सिंपल हैंगिंग बॉल होती है, स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, जो जिसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो आगे और पीछे की तरफ मूव कर सके। व्हेन द बॉल स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स स्विंग इट हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि जब हम इस बॉल को, इस पेंडोलम को जब हम इसके पीक हाईएस्ट पॉइंट पे स्टॉप करवाते हैं, जब ये स्टॉप होती है तो इस टाइम इस पॉइंट पे इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप स्टेट में है और काइनेटिक एनर्जी तो मूवमेंट की स्टेट में होती है। इस टाइम यहाँ पे इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, द एनर्जी इज़ ऑल पोटेंशियल, क्योंकि स्टॉप स्टेट में है, इस पर तमाम की तमाम एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब क्या होगा कि यहाँ पे रुकी तो नहीं रहती ना बॉल, फर्दर ही अपनी मूवमेंट जारी रखती है। व्हेन इट कम्स डाउन एट द लॉस्ट पॉइंट ऑन इट्स स्विंग इट्स स्पीड इज ग्रेटेस्ट,
क्या होगी, जब ये वापस अपनी नीचे की तरफ आएगी, कम डाउन आएगी, तो क्या होगा, इसकी स्पीड जो होगी ग्रेटेस्ट हो जाएगी। हियर द पेंडुलम हैज नो पोटेंशियल एनर्जी, जब ये मूवमेंट की स्टेट में होगी, तो इस वक्त मूवमेंट की स्टेट में है, मूवमेंट की स्टेट में इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, इट विल नॉट हैव द पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी इज ऑल काइनेटिक। अब आगे बढ़ते हैं, द पेंडोलम कीप स्विंगिंग चेंजिंग द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि क्या होता है कि पेंडोलम क्या है कि स्विंग करता रहता है, इसकी एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जब कुछ देर के बाद जब पेंडोलम क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, तो तब हमारे पास क्या होगा, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इन केस ऑफ पेंडोलम इन ई स्विंग अ स्मॉल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रिंग एंड द बॉल, हीट डिसिपेट्स इन द एटमॉस्फेयर। इस दौरान इसमें हीट एनर्जी भी क्रिएट होती है, लेकिन उसका क्या काम होता है कि वो बाद में एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाती है। होप सो स्टूडेंट्स को आपका आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। सो थैंक्स स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।